Hello students, in the previous video we have studied about the step response and the impulse response for the first order system. In this video we will study ramp response and parabolic response for the first order system. Okay, so first we will study ramp response. Okay, so what is ramp response? Ramp response means ramp will be the input, okay, and we need to calculate the output. Okay, so ramp input aapka kya hota hai? रैंप इनपुट सपोज करिए, इनपुट इज इक्वल टू टी यू टी, रैंप सिग्नल. ओके, सो जो आपका आर एस है, टी यू टी का लाप्लास क्या होता है आपका? वन अपॉन एस स्क्वायर. रैंप का लाप्लास हमें पता है, रैंप सिग्नल का लाप्लास होता है आपका वन अपॉन एस स्क्वायर. ओके, नाउ हमें क्या करना है? अब हमें ट्रांसफर फंक्शन पता है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का, क्या होता है? वन अपॉन वन प्लस एस टाउ. ओके, नाउ ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू सी एस अपॉन आर एस, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट. ओके, नाउ आर एस की वैल्यू आपकी क्या है? वन अपॉन एस स्क्वायर. सो जो आपका सी एस है वो हो जाएगा वन अपॉन एस स्क्वायर वन प्लस एस टाउ. ओके, नाउ अब हमें इस सी एस का सी टी कैलकुलेट करना है, मीन्स इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें कैलकुलेट करना है. ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर क्या है कि बिफोर कैलकुलेटिंग द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन परफॉर्म करना होगा. ठीक है, यहां पर आपके एक टर्म है एस स्क्वायर का और एक टर्म है वन प्लस एस टाउ का. ओके, सो मैं यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्टली लिख रहा हूं. ठीक है, आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग घर में अपने आप से पार्शियल फ्रैक्शन को ट्राई करेंगे. ओके, और कहीं अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसे पोस्ट भी कर सकते हैं. ओके, सो इसका जो पार्शियल फ्रैक्शन आपका निकल कर आता है वो होता है माइनस टाउ अपॉन एस प्लस वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस टाउ अपॉन एस प्लस वन अपॉन टाउ. ओके, सो ये इसका पार्शियल फ्रैक्शन होता है, आप आराम से कर भी सकते हैं. आप ले लीजिए ए बाई एस प्लस बी बाई एस स्क्वायर प्लस सी अपॉन वन प्लस एस टाउ, तो आपका इजीली आंसर आ जाएगा. ओके, सो ये आपके लिए होमवर्क है. नाउ अब अगर मैं इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लू, दैट इज कॉल्ड सीटी, तो हमें पता है कि वन बाई एस का इनवर्स लाप्लास क्या होता है आपका? यूटी होता है, तो माइनस टाउ यूटी. ओके, प्लस वन बाई एस स्क्वायर, आप देखिए अभी अभी आपने इस टर्म को देखा हुआ है, यस आपने इनपुट में देखा हुआ है, आरएस जो था आपका वो 1 बाई एस स्क्वायर था, मींस इसका इनवर्स लाप्लास क्या होगा आपका? टी यू टी होगा. ओके, सो टी यू टी नाउ प्लस टाउ 1 अपॉन एस प्लस ए का इनवर्स लाप्लास क्या होता है? ई की पावर माइनस ए टी यू टी, तो यहां पर क्या है? एस प्लस 1 बाई टाउ है, तो ए की वैल्यू क्या है? 1 बाई टाउ, तो क्या हो जाएगा? ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ यू टी. ओके, ये इनवर्स लाप्लास हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियोस में भी, आपको बेसिक फॉर्मुलेस याद होने चाहिए, मैंने आपको हर एक वीडियो में ये बात कही है. ओके, नाउ ये हमारा कैलकुलेट हो गया सीटी. अब आफ्टर कैलकुलेटिंग द सीटी हमने स्टेप रिस्पांस में क्या किया था? हमने एरर कैलकुलेट की थी. फर्स्ट ऑफ ऑल एरर, एरर हमें पता है, एरर क्या है? इनपुट माइनस सीटी, दैट मींस इनपुट मींस क्या था आपका? टारगेट. टारगेट और सीटी क्या है आपका? जो आपने अचीव किया है, तो आपने टारगेट माइनस जब जो अचीव किया है, जब आप करेंगे तो आपको क्या निकल जाएगी? यहां पर एरर मिल जाएगी. ओके, तो यहां पर जो आपका इनपुट है वो क्या है आपका? टी यू टी है. ओके, माइनस जो आपने अचीव किया है वो क्या है आपका? प्लस टाउ यू टी माइनस टी यू टी. ओके, एंड लास्ट टाइम आपका क्या हो जाएगा? अगेन माइनस टाउ ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ यू टी. ओके, सो ये आपका यहां पर एरर का फॉर्मूला जनरेट हो गया. नाउ हमें जो कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है स्टडी स्टेट एरर, मींस स्टडी स्टेट पे जाकर इनपुट माइनस जो हमने अचीव किया है उसमें डिफरेंस क्या है, वही क्या कहलाएगी आपकी? स्टडी स्टेट एरर. तो अगर आप यहां पर एरर के इक्वेशन को ध्यान से देखें तो यहां पर टी यू टी एंड टी यू टी का टर्म आपका कैंसल हो रहा है. ओके, नाउ अगर आप स्टडी स्टेट एरर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? टी टेंस टू इन्फिनिटी पुट करना होगा एरर के इक्वेशन में. ओके, सो जब यहां पर आप टी टेंस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे
तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है आपका? जीरो होता है, ओके? और u इन्फिनिटी कितना होता है हमारा? वन होता है। तो सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा आपका? टाउ, ओके? तो यहां पर जो स्टडी स्टेट एरर आपकी कैलकुलेट हुई है दैट इज इक्वल टू टाउ, जबकि हमने जो लास्ट वीडियो में स्टेप रिस्पॉन्स में देखा था वहां पर जो स्टडी स्टेट एरर थी वो जीरो थी। इसलिए मैंने कहा था लास्ट वीडियो में कि स्टेप रिस्पॉन्स इज द बेस्ट रिस्पॉन्स फॉर द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, ओके? और इसीलिए हमने फॉर स्टेप इनपुट सारे के सारे पैरामीटर कैलकुलेट किए थे लाइक राइज टाइम, सेटलिंग टाइम, डिले टाइम, ओके? क्योंकि वहां पर आपकी स्टडी स्टेट एरर जीरो थी। बट यहां पर अगर आप देखेंगे तो स्टडी स्टेट एरर जो है आपकी वो नॉन जीरो है, फाइनाइट वैल्यू है, ठीक है? तो इसके लिए हम कोई पैरामीटर कैलकुलेट करने नहीं जा रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपको पूरा फोकस जो है वो स्टेप रिस्पॉन्स पर ही रखना है, ओके? लॉजिक क्लियर है? तो यहां पर आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि स्टडी स्टेट एरर जो है आपकी वो टाऊ है, ओके? नाउ जो आपका नेक्स्ट रिस्पॉन्स है दैट इज कॉल्ड पैराबोलिक रिस्पॉन्स, ओके? सो पैराबोलिक रिस्पॉन्स मीन्स इनपुट विल बी पैराबोलिक। तो आपका इनपुट क्या हो जाएगा? पैराबोलिक का इक्वेशन आपको आज से पता होना चाहिए, टी स्क्वायर अपॉन टू यू टी, ओके? सो पैराबोलिक इनपुट के लिए हम ये इक्वेशन हमेशा यूज करेंगे अपने न्यूमेरिकल्स में भी, टी स्क्वायर अपॉन टू यू टी। तो जो आपका आर एस है वो क्या हो जाता है? वन अपॉन एस क्यूब, ठीक है? जिनको फॉर्मूला नहीं पता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, मैं साइड में लिख देता हूं यहां पर, टी की पावर एन यू टी का जो आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है आपका फैक्टोरियल एन अपॉन एस की पावर एन प्लस वन, ओके? जब यहां पर आप एन की वैल्यू टू पुट करेंगे तो टी स्क्वायर यू टी का हो जाएगा फैक्टोरियल टू अपॉन एस क्यूब, ठीक है? जब आप टू को बोथ साइड डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा टी स्क्वायर अपॉन टू यू टी का वन अपॉन एस क्यूब, ओके? सो आप सिंपली ये फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं टी स्क्वायर अपॉन टू यू टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ओके? नाउ हमें पता है अगेन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम जो आपका ट्रांसफर फंक्शन होता है वो होता है वन अपॉन वन प्लस एस टाउ, राइट? नाउ सी एस विल बी इक्वल टू वन अपॉन एस क्यूब वन प्लस एस टाउ। अब हम फिर से पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे यहां पर, बट पार्शियल फ्रैक्शन आपके लिए फिर से होमवर्क होगा, आप इसे ट्राई करेंगे और आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करेंगे अगर आपको कोई डाउट हो। तो मैं यहां पर फिर से डायरेक्ट लिख रहा हूं, पार्शियल फ्रैक्शन सी एस इज इक्वल टू आपका हो जाएगा टाउ स्क्वायर अपॉन एस माइनस टाउ अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन अपॉन एस क्यूब माइनस टाउ स्क्वायर अपॉन एस प्लस वन अपॉन टाउ, ठीक है? आपको यही पॉइंट समझना होगा कि हम यहां कंट्रोल सिस्टम पढ़ रहे हैं, पार्शियल फ्रैक्शन का कंसेप्ट हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहां पर, वो आपका मैथमेटिकल कंसेप्ट है। हमारे लिए जो यहां पर इंपॉर्टेंट है वो ये जानना है कि स्टडी स्टेट एरर कितनी आ रही है, किस इनपुट के लिए क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ओके? नाउ नेक्स्ट सीटी जो आपका हो जाएगा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सी एस, ये आपका क्या हो जाएगा? आप देख सकते हैं फर्स्ट टर्म आपका क्या है? टाउ स्क्वायर अपॉन एस, दैट मीन्स वन बाई एस का क्या होता है आपका? यू टी होता है, ओके? नेक्स्ट टर्म आपका क्या है? माइनस टाउ अपॉन एस स्क्वायर, आपने वन अपॉन एस स्क्वायर का अभी अभी देखा है लास्ट केस पे, तो कितना हो जाएगा? माइनस टाउ टी यू टी, ओके? नेक्स्ट टर्म आपका क्या है? वन अपॉन एस क्यूब, ये भी आपने अभी अभी देखा है, इसी स्लाइड में देखा है, क्या होता है आपका? टी स्क्वायर अपॉन टू यू टी, ओके? सो ये हो जाएगा आपका, साइन कौन सा था आपका? प्लस, तो प्लस टी स्क्वायर अपॉन टू यू टी, ओके? एंड लास्ट क्या है आपका? माइनस टाउ स्क्वायर अपॉन एस प्लस वन बाई टाउ, ये हमें पता है, अब हम कई बार देख चुके हैं, तो कितना हो जाएगा आपका? माइनस टाउ स्क्वायर ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ यू टी, ओके? सो ये आपका रिस्पॉन्स का इक्वेशन जनरेट हो गया। अब हमारा टारगेट फिर से क्या है? हमें चेक करना है कि एरर कितनी आ रही है आपकी। एरर मीन्स अगेन इनपुट माइनस रिस्पॉन्स, ओके? इनपुट आप क्लियरली देख सकते हैं, इनपुट आपका कितना है? टी स्क्वायर अपॉन टू यू टी, ओके? तो इनपुट की वैल्यू आप पुट कर दीजिए यहां पर, टी स्क्वायर अपॉन टू यू टी माइनस जो आपका रिस्पॉन्स आया है उसकी वैल्यू आप देख लीजिए, माइनस टाउ स्क्वायर यू टी प्लस टाउ टी यू टी
minus t square upon 2 ut plus tau square e की power minus t upon tau ut. Okay? So, ये हमारी error की value यहाँ पर calculate हो गई है. अगर आप ध्यान से देखें इस error के equation को, तो t square by 2 ut and t square by 2 ut आपके cancel out हो जाएंगे. जैसा आपका ramp response में भी cancel हुआ था, जो input था वो cancel हो गया था. Now, जो आपकी steady state error होगी, वो कैसे calculate होगी आपकी? Just आपको क्या करना है? Error के formula में t tends to infinity put करना है. Okay? So, अगर आप यहाँ पर t tends to infinity put करेंगे, तो u infinity कितना होता है? 1 होता है. तो सिर्फ कितना रह जाएगा? Minus tau square. Okay? यहाँ जब आप calculate करेंगे, तो again u infinity कितना होता है? 1 होता है. लेकिन यहाँ पर आपका एक t का term भी multiplied है. जब आप t tends to infinity put करेंगे, तो ये पूरा term क्या हो जाएगा? Infinity हो जाएगा. अब हमें आगे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं इनफिनिटी प्लस एनीथिंग या इनफिनिटी माइनस एनीथिंग ऑलवेज क्या होता है आपका? इनफिनिटी होता है. ओके? सो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो स्टडी स्टेट एरर पैराबोलिक रिस्पांस के लिए कैलकुलेट हो रही है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम इज इनफिनिटी. दैट मींस वेरी वेरी ह्यूज एरर. ओके? सो हम पैराबोलिक रिस्पांस यूज नहीं करेंगे फॉर द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम. ठीक है ना? क्योंकि जो हमने टारगेट सोचा होगा उसके आसपास भी हम नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी एरर आएगी आपकी. ओके? सो अगर मैं ओवरऑल कंक्लूजन दूं आपको फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का, सो इन फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम वी विल यूज स्टेप इनपुट. ओके? स्टेप रिस्पांस वी विल यूज फॉर द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम. ओके? एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर. हमने पूरी थ्योरी यहां पर पढ़ ली है. ओके? इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम करेंगे आफ्टर स्टडिंग द सेकंड ऑर्डर सिस्टम. हम फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर सिस्टम दोनों के न्यूमेरिकल एक साथ पढ़ेंगे, बट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे सेकंड ऑर्डर सिस्टम. ओके? सो गुड बाय.